शेयरिंग ऑफ पावर के बारे में हमने पढ़ा है, तो बेल्जियम में ऐसी पावर शेयरिंग की एग्जांपल उन्होंने बनाई। तो बेल्जियम जो था उसकी जो राजधानी है वहाँ पर ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की ये बिल्डिंग है, तो इसमें आपको दिखाई गई है। तो ये हमने पढ़ना है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज। बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियाँ हमने पढ़ी, इनसे हमने सीखा कि पावर शेयरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द डेमोक्रेसी। वहाँ पर आपस में उनके नहीं तो कन्फ्लिक्ट होंगे, जिनको पावर नहीं मिलेगी तो उनके इंटरेस्ट जो होंगे वो पीछे रह जाएंगे। बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों लोकतंत्र हैं, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। तो श्रीलंका में पावर शेयरिंग की जो समस्या थी उसको अलग तरह से हल करने की कोशिश की गई, लेकिन बेल्जियम में वही काम सफलतापूर्वक कर लिया गया। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाई रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो वहाँ के जो नेता थे बेल्जियम के, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि अगर अलग अलग कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता, तो देश की जो एकता है वो हो नहीं सकती, यानी पॉसिबल नहीं है। जो यूनिटी ऑफ कंट्री इज़ नॉट पॉसिबल, वो इसी से होगी। सच्चे रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट। तो ये उनका जो महसूस करना था, नेताओं का, लोगों का भी, लोगों ने भी महसूस किया, तो एक एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट पर वो पहुँचे जिससे पावर शेयरिंग में उनको कोई दिक्कत नहीं रही। श्रीलंका शोज़ अस ए कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल। कंट्रास्टिंग अलग तरह की उदाहरण श्रीलंका हमें पेश करता है। इट शोज़ अस दैट इफ़ द मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस, यानी ये हमें बताता है कि अगर जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है वो अपनी जो अपने जो राय है उसको थोपती है दूसरों के ऊपर, डोमिनेंस करती है, उनके ऊपर धक्केशाही से काम करती है, एंड रिफ्यूजेज टू शेयर पावर, उनके साथ पावर शेयर करने से मना करती है। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, जिससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग जो होती है, ताकत का इस्तेमाल साथ में मिलकर आनंद लेना उसका, तो ये डिज़ायरेबल क्यों है। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन्स कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसमें अलग अलग कारण जो है पावर शेयरिंग के फेवर में दिए जा सकते हैं। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सामाजिक तौर पर इकट्ठे लोग हो जाते हैं, अपना ग्रुप बना लेते हैं, तो उनके जो इंटरेस्ट होते हैं और उनमें जो कन्फ्लिक्ट नहीं होता, अगर सभी को पावर होगी तो कोई उनमें आपस में उन मतभेद नहीं होगा। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, क्योंकि जो ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में नेताओं में अगर कोई मतभेद होगा तो उससे हिंसा होगी और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, तक का मतलब उस देश में जो सरकार होगी वो स्थिर नहीं होगी, तो वो एक दूसरे की टांगें खींचेंगे। पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो राजनीतिक तौर पर स्थिरता लाने के लिए पावर शेयरिंग जो है वो आवश्यक है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक ए अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन। मतलब जो पावर शेयरिंग एक ही कम्युनिटी को देना, पूरे हक उनको एक को ही देना, उन अपनी जो इच्छा है उसको दूसरों पर ज़बरदस्ती थोप देने से थोड़ी देर के लिए वो चीज़ अच्छी लग सकती है, मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन शॉर्ट रन, थोड़ी देर के लिए वो एक दिलचस्प ऑप्शन हो सकती है, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडर माइंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। इसे किसी देश को ज़रूरी तौर पर खतरा हो सकता है, एकता को खतरा हो सकता है। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट द कार्टून ऑफ द
oppressive for minority, it often brings ruin to the majority as well. तो इसकी जो विडंबना है पावर शेयरिंग में, एक ही कम्युनिटी का पूरा जोर उसमें आ जाए तो उसकी जो विडंबना है कि उससे खाली मिनोरिटी को ऑपरेशन से यानी दबाने से उसी को नुकसान नहीं पहुंचता, मेजॉरिटी को भी इससे नुकसान पहुंचता है. देयर इज़ ए सेकंड डीपर रीज़न, एक कारण हमने ऊपर बताया. दूसरा कारण यहाँ पर है कि वाई पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी, तो लोकतंत्र के लिए ये क्यों अच्छी है. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जो पावर शेयरिंग है एक उसका मेन पॉइंट है. यानी अगर सभी लोगों का एक जैसा हिस्सा नहीं होगा, उनको ये महसूस होना चाहिए कि हमारी सरकार है, हमारे लिए काम करती है. अगर वो नाराज़ होंगे तो उनके लगेगा कि ये सरकार जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है. यानी कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदे होंगे, जो दूसरों की कम मिनोरिटी की इच्छाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि जो लोग हैं जिनको हमने चुन के भेजा है तो वो उनका विरोध तो करेंगे, लेकिन मतलब उनको लगेगा कि ये जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है. ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स. तो डेमोक्रेटिक रूल जो है ऐसा होता है कि पावर शेयरिंग में जो लोग सहने वाले हैं या जो लोग शासन में हैं उन दोनों पर एक जैसा प्रभाव पड़े. पीपल हैव ए राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, लोगों को ये अधिकार है कि उन पर शासन कैसे किया जाए, उन पर राज्य कैसे चलाया जाए. ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन रिक्वायर टू स्टेक इन द सिस्टम. एक लेजिटिमेट यानी लोकतांत्रिक सरकार ऐसी सरकार होती है कि वहाँ पर लोगों से सलाह की जाती है, उनसे कंसल्टेशन की जाती है कि वो उस सिस्टम का एक अंग बन जाएं. लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मॉरल. पहला जो रीज़न है वो प्रूडेंशियल है. प्रूडेंशियल का मतलब होता है बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजंस बेस्ड प्योरली ऑन द रियल कंसिडरेशन. यानी कि सच्चाई की बात के साथ में जो कारण होते हैं उनको प्रूडेंशियल कारण कहा जाता है. दूसरे ये मॉरल सपोर्ट है, यानी मॉरल बात है कि सच में ऐसा होना चाहिए कि जो मेजॉरिटी है वो मिनोरिटी का ख्याल करे. तो वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, तो प्रूडेंशियल रीजन जो हैं वो ये बताते हैं कि लोकतंत्र जो अगर पावर शेयरिंग वाला होगा तो उससे अच्छे नतीजे निकलेंगे. मॉरल रीजंस एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल, तो उसको वो कीमती बताएंगे. जो जो अपने मॉरल रीजंस हैं वो बताएंगे कि मॉरल की तो आवश्यकता ज़रूर है, यानी कि बेसिकली वो हर्ट से काम करें तो वो मॉरल रीजंस होंगे.